मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017-2019 में समस्त जिला कलेक्टर, समस्त विभाग, समस्त बैंक को निर्देशित किया गया है कि केंद्र और राज्य शासन द्वारा देव अनुदान राशियों को बैंक हितग्राहियों के लोन खाते में समायोजित न करें। लेकिन दूल्हे सिंह भगवान ग्राम देवली की किसान सम्मान निधि की राशि लोन खाते से काट ली जा रही है। दूल्हे सिंह के अनुसार 10,000 की राशि काट ली गई है, जबकि पिछले वर्ष और वर्तमान में दूल्हे सिंह की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लोन चुकाना कहां संभव है। गायत्री बाई नन्नू निहाल विधवा है, 600 मासिक पेंशन मिलती है। पिछले 10 से 11 महीने से लोन खाते में राशि काटी जा रही है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, उससे पहले बैंक से भी संपर्क किया, लेकिन मनमानी जारी है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आ रहे है बाकी वो बैंक ऑफ इंडिया में खाते में आ रहा है तो वो सब काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? वो लोन लिया हुआ है तो बोले कि लोन में सब कट जाता है। पैसे कट रहे हैं? हाँ। अभी कुछ भी नहीं मिला क्या? कहीं नहीं मिला। क्या नाम है? घनश्याम गहलोत। कौन से गांव? देवली। देवली बताओ, क्या पेंशन की समस्या? हमारी तो पेंशन काट ले बैंक वाला लोन में। हाँ। 10-11 महीना हो गया, अभी तक हमारे हाथ में पेंशन नहीं आई है। गरीब मेला का ही कर बिजवानी, थोड़ा बहुत रोटी जीता नहीं। हाँ, तो बैंक वाले पेंशन काट लेते हैं? हाँ। लोन खाते में? लोन खाता में। तो आप फिर कैसे घर चलाते हो? काई कर, मजदूरी करने जाऊँ। मजदूरी करने जाते हैं? हाँ। क्या नाम आपका? गायत्री बाई। गाँव? देवली। बोल, मैं पेंशन मिल रही नहीं? नहीं मिलती बेटा। फिर काई करनू? कई करूँ और कई करो हमारो। बैंक? बैंक भी नहीं मिलती मगर। नहीं तो बैंक काट ही रही कई? हाँ कट ही रही। काय लोन में? हाँ लोन में काट ले। हाँ हाँ, तो वो जैसो समझाओ, पूछोगा तो कई जवाब देंगे तो भाई थारो कई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।